इस बार रेस 200 या 300 नहीं बल्कि सीधी 400 करोड़ के पार होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज। पिछले कुछ दिन नहीं बल्कि महीनों से चर्चे में रहने वाली फिल्म रेस 3 का हर दर्शक को बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि रेस 3 इस साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है और ये फिल्म सिनेमाघरों में 15 जून को रिलीज होगी। यानी कि अब ये फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए 1.5 महीना बाकी है। लेकिन बता दूं कि इस बार रेस 3 एक बड़ी ओपनिंग के साथ शुरुआत करेगी, क्योंकि ईद के दिन सिर्फ भारत में 5000 स्क्रीन अवेलेबल है। अब जाहिर सी बात है कि सलमान जैसा मेगा स्टार हो और 5000 स्क्रीन अवेलेबल हो तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे स्क्रीन सलमान खान की फिल्मों को मिलेगी। और दूसरी बात, ये फिल्मों को बेनिफिट मिलेगा इस फिल्मों को बेनिफिट मिलेगा, रेस 3 एक बिग फ्रेंचाइज है और ईद के दिन रेस 3 के टिकट की रेट भी इंक्रीज होंगे। यानी कि इस बार रेस 3 200 या 300 नहीं बल्कि 400 करोड़ का तहलका मचाएगा, क्योंकि 5000 स्क्रीन हो, बिग फ्रेंचाइज हो और ऊपर से टिकट के रेट हाई हो तो जाहिर सी बात है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली है। और अभी से बड़े बड़े ट्रेड एनालिस्ट ये फिल्मों को पहले दिन 50 करोड़ की ओपनिंग की प्रेडिक्शन लगा रहे हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी और आप इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड है वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज़ पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की खबरें के लिए एफ स्टार न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें।